हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और आज है मंगलवार, तो आज हम आपके लिए लाइव ट्रेडिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और अब मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ जो मैं प्लेस कर चुका हूँ। आज हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने दो लॉट के साथ काम कर रहा हूँ मैं, और आप एक मिनट रुकिएगा, ये आप देख सकते हैं कि दो लॉट हमने प्लेस किए हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि एक कॉल को शॉर्ट करते हैं और उसके ऊपर वाली कॉल को बाई करके हेज करते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि 15,450 की कॉल को हमने शॉर्ट किया है दो लॉट करीब 66.57 की एवरेज प्राइस पर, और उसको हेज किया है 15,600 की कॉल से दो लॉट से जिसकी एवरेज प्राइस है 17.70 रुपये। उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको पता ही है कि आपके लिए हम लाइव ट्रेडिंग वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे लर्निंग वीडियो, चाहे वो ऑप्शन की बेसिक सीरीज़ हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो या पूरी की पूरी हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी की एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें मैं स्ट्रेटजी वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जैसे ये बियर कॉल स्प्रेड आज स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ऑप्शन स्ट्रेटजी वाली सीरीज है उसको आप देख सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बहुत सारी कुछ बेसिक स्टडी है और आने वाले टाइम में हम कुछ एडवांस स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी अभी लाइव ट्रेड चल रही है इसमें करीब हमें 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ, अब कल जो वीडियो नहीं आया था लाइव ट्रेडिंग वीडियो, उसका कुछ रीज़न था। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था रेलटेल के आईपीओ से रिलेटेड, तो उसमें मैंने अपनी जो कल की जो लाइव ट्रेड की थी वो मैंने बताई थी। अभी इसी वीडियो के लेटर सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम पर भी हमने कल वो ट्रेड पोस्ट की थी और वो ट्रेड भी सही रही थी, करीब 62-63 के आसपास का हमने प्रीमियम शॉर्ट किया था और उसने 40 रुपये के आसपास वो आया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और जो मेरा लेवल था वो नहीं आया था, तो उस चक्कर में फिर हुआ ये कि लास्ट में मार्केट थोड़ा साइडवेज रह गया और उस चक्कर में वो ट्रेड मेरी, मतलब जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था वो उसी के आसपास खत्म हुई, तो करीब 100-110 के आसपास का कुछ प्रॉफिट था। तो फिर उस वीडियो को मैंने अपलोड करना ज़्यादा वर्थ नहीं समझा, तो इस वजह से वो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा रेलटेल का जो आईपीओ है उस पर 10 पॉइंटर रिव्यू मैं लाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके उस वीडियो को देखिए, उसकी लिंक मैं आपको आई सेक्शन में दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप और मुझे बताइएगा कि आप रेलटेल के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आज से आईपीओ ओपन है और 18 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, उसके अलावा जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हम लाइव ट्रेड करते हैं और जो भी मैं ट्रेड करता हूं उसको टेलीग्राम चैनल पे, प्राइम टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पे पोस्ट भी करता हूं। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, आप एंजल ब्रोकिंग में हमारे साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं और हम आपको अपने प्राइम टेलीग्राम चैनल में ऐड करेंगे। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ 700-750 के आसपास का हमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है। इसी वीडियो में मैं आपको लाइव उसमें चार्ट भी दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ये ट्रेड ली थी और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख रही है 800-900 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है और मैं इसमें ये भी चीज़ करके दिखाऊंगा कि यहाँ से आपको एक साथ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके भी दिखाऊंगा। आप सभी को पता है कि जब हम ऑप्शन हेज करते हैं और उसमें कुछ पेनल्टी का भी इशू होता है, अगर आपने पहले बाई पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर दी तो आपका यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। आप देख सकते हैं कि ये आज जो पैटर्न बन रहा था, एक ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा था, उसका जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए ये जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये 50 EMA है और यहीं पर आज जहाँ पर ये 50 EMA अभी आ रहा है उसी के आसपास का डेज लो है, तो वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट जोन है और वहां पे सप्लाई आएगी। तो मैं वहां पे अपनी ये ट्रेड को एग्जिट कहां पे करूंगा, जब भी उसी के आसपास कहीं आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ये रेड कैंडल बन रही है और अगर इसको ब्रेक करता है ये ग्रीन लाइन को, तो फिर अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपको नीचे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है 15,318 के आसपास का, उसके बाद वहाँ इसको होल्ड लेना चाहिए। तो लेकिन हम उतना वेट नहीं करेंगे, अगर ये इसके पास आता है तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर दूसरी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ये फ्यूचर का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, तो 15,384 के आसपास चल रहा है और अगर हमारे प्रीमियम की बात करें तो 58 के आसपास चल रहा है और करीब हमें 800-900 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा आपसे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। अगर आपने पुराने वीडियोस हमारे देखेंगे तो हम उसमें स्टॉक ड्राइव एक सीरीज चलती थी जिसमें हम पर्टिकुलर कुछ स्टॉक पे डिस्कशन करते थे, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हर वीक में आपको दो स्टॉक पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, उसकी न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस, सारी की सारी एनालिसिस, और वो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छी एक एनालिसिस होगी। तो आपको लगता है कि वो एनालिसिस मुझे करना चाहिए या आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
उस स्टॉक का नाम भी लिख के बता सकते हैं, तो मैं उस पर फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कुछ हज़ार के आसपास का हमें प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैंने आपको लेवल बताया था कि जहाँ पे ये 50 EMA के आसपास है और आज का डेज लो है उसके आसपास ये देखिए वहीं पर आने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, और एग्जिट कैसे करूँगा वो भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेनल्टी बहुत लोगों पे लगी है। एक बार मुझ पे भी पेनल्टी लगी थी इस चक्कर में, क्योंकि गलती से मुझसे पहले बाय ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो गया था और सेलिंग पोजीशन अकेली बची थी और उतना फंड था नहीं। तो अगर इस ऐसे कंडीशन में आप पे मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है, और वो 1% की लगती है। तो करीब अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट करीब 1,40,000 के आसपास है, तो अब 1,40,000 का आप 1% निकालेंगे तो 1,400-1,500 आता है पर लॉट के हिसाब से। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप इस जिस तरीके से मैं इसमें एग्जिट करूंगा उसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका पेंडिंग कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट देखिए एक्शन पे क्लिक करना है, तो दोनों आपके ऑर्डर यहाँ पे टिक हो जाएंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर कर सकते हैं, ऐसा मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए आप कॉर्नर में आपको स्क्वायर ऑफ का बटन दिख रहा होगा, जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे तो आपकी दोनों पोजिशन साथ ही साथ में स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। लेकिन इसको करने से पहले अगेन याद रखिएगा कि आपका पेंडिंग कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा तो ओके पूछेगा, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरी दोनों पोजीशन एक साथ स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। देखिए दोनों पोजीशन मेरी एक साथ क्लोज हो गई हैं, और करीब आज 1,062 का हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि मैंने अपने लेवल्स पर प्रॉफिट बुक किया है। और अगर यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आती है तो आज मार्केट और भी नीचे जा सकता है। आप देख सकते हैं कि दोनों पोजीशन करीब 56.95 की एवरेज प्राइस पर, देखिए वहीं पर मैंने जहाँ आपसे बोला था और अप्रॉक्स में वहीं पर एग्जिट किया हूं आज। तो ठीक है, दो लॉट के साथ हमें आज 1,000 से ज़्यादा का कुछ प्रॉफिट हुआ है। ब्रोकरेज काट के करीब 900-950 रुपये आज हमें मिल जाएंगे। तो ये थी आज की लाइव ट्रेड। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने टेलीग्राम पे कि हम किस तरीके से वहाँ ट्रेड पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप वेट करिए। तो उससे पहले जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाइए वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा प्राइम टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख ही सकते हैं, जिसमें हम डेली की डेली जब भी ट्रेड करते हैं तो अपडेट करते हैं। पहले मैं आपको कल की ट्रेड दिखाता हूँ कि कल भी हमने ट्रेड की, उसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वो आप कल के IPO वाला जो वीडियो था उसमें देख सकते हैं कि कल मैंने 15,200 PE शॉर्ट करने को बोला था 62-64 की प्राइस पे करीब 11:21 पे। आप टाइम नोट करके चेक खुद चेक भी कर सकते हैं कि वहां पे प्रीमियम था और उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने अपडेट भी किया था 2:22 पे कि जो भी इस पोजिशन में है करीब 40 का इसने लो मारा है, तो मैं भी था उस टाइम पर, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। और उसके बाद फिर हमें लगभग कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया तो 100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, तो कोई मतलब नहीं था, तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया था। ये आज 16 फरवरी है, या जो ट्रेड हमने लिए देख सकते हैं आप कि 68-70 रुपए के आसपास मैंने शॉर्ट करने को बोला था 15,450 CE को, और 15,600 बाई करने को बोला था 17-19 की प्राइस पर 10:48 के टाइम पे। स्टॉप लॉस था इसका 83 रुपीज का, यानी कि 13-14 पॉइंट का प्रॉफिट स्टॉप लॉस था, और उसके बाद 56 पे आया है जैसे ही। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, और इसको तोड़ेगा तो नो डाउट बहुत नीचे जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पर प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री लेना ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने आज की ये ट्रेड की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।